Uh, next question. Question says a circular coil of radius 10 centimeter is placed in a uniform magnetic field of 3 into 10 to the power minus 5 tesla uh, with its plane perpendicular to the field initially. It is rotated at constant angular speed about an axis uh, along the diameter of the coil perpendicular to the magnetic field so that it undergoes half uh, of rotation in 0 0.2 seconds. Maximum value of EMF induced in microvolt. Uh, इन द कॉयल विल बी क्लोज टू द इंटीजर और हमें इसकी वैल्यू बतानी क्या है बहुत ही सिंपल सवाल है ये बात अपने को पता है कि जब हम डेटा जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं आर अपने को दिया है 0.1 मीटर और अपने को यहाँ पे आ, आर दिया है जीरो 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर हो गया बी जो है आ, वो अपने को दे रखा है 3 इंटू टेन टू द पावर माइनस फाइव थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस फाइव और डेटा दिया हुआ टाइम जो है आ, टाइम वो दिया है आपने को 0.2 पॉइंट टू सेकेंड्स ना ये नोटिस करना 0.2 पॉइंट टू सेकेंड जो है वो आपका जो टाइम है वो हाफ रोटेशन का है सो so, अगर इसको हम टाइम पीरियड की बात करेंगे ठीक है so, सो यहाँ पे यह आपका टी टाइम है आ, टाइम पीरियड जो है आ, वो अपना हो जाएगा आ, क्योंकि हाफ रोटेशन का है सो टू मल्टीप्लाइड बाई जीरो पॉइंट टू सेकेंड सो दैट विल बी इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर सेकेंड जो आपका टाइम हो जाएगा नाउ यूजिंग ओमेगा विल बी इक्वल टू टू पाई बाय टी हम इसको लिख सकते हैं टू पाई डिवाइडेड बाय ज़ीरो पॉइंट फोर सेकेंड यह आपकी ओमेगा आ जाएगी रेडियन पर uh, सेकेंड में ठीक है अब इसके बाद हमें बताना है बी तो यहाँ पे सिंपल सी वो कहानी है कि फाइव जो है वो अपने को पता है उसको हम लिखते हैं बी ए कॉस ओमेगा टी ना इसी बी ए कॉस ओमेगा टी की अगर हम मैक्सिमम वैल्यू देखने लगेंगे सो यहाँ पे आपका जो ई एम एफ आएगा ये तो आपका फ्लक्स हो गया और जो आपका ई एम एफ आएगा उसको हम इससे डिफरेंशिएट करके वो लिखते हैं ना इसकी जो वैल्यू बनेगी इसको डिफरेंशिएट करके ये आएगा बी एमेगा साइन ओमेगा टी ना और ई एम की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आती है बी ए ओमेगा ये सिंपल सी कहानी इसलिए कि बस इसके बाद तो फॉर्मूला लगाना है आपने को ठीक है so, सो यहाँ पे डेटा आपने को ये दिया हुआ है सो बी ओमेगा सो आपकी जो ई uh, की मैक्सिमम वैल्यू है उसको आप लिखेंगे बी बी uh, दिया हुआ है थ्री मल्टीप्लाइड बाय टेन टू दी पावर माइनस फाइव मल्टीप्लाइड बाय ए आपका पाई आर स्क्वायर से आएगा पाई मल्टीप्लाइड बाय जीरो पॉइंट वन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा ओमेगा भी हमने कैलकुलेट की है सो ये आ गया टू पाई डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट फोर हालांकि ज़ीरो पॉइंट फोर ये था ना तो बस uh, इसको हमें कैलकुलेट करना है और अपना फाइनल आंसर आ जाएगा सो दिस विल बी इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाइड बाय ये आ गया आपका स्क्वायर इंटू टू ऊपर बन गया सिक्स डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट फोर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका ऊपर इसको ऐसे लिख लेते हैं सिक्सटी डिवाइडेड बाय फोर मल्टीप्लाइड बाय टेन टू द पावर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय टेन टू द पावर ये वाला माइनस टू हो गया सो ये फिफ्टीन पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टेन टू द पावर माइनस सेवन ये आपकी वैल्यू हो जाएगी ठीक है सो अच्छा इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो पाए स्क्वायर इज ऑलमोस्ट टेन होता है तो इसका मतलब ये है कि आपका मैक्सिमम ई जो आ गया ई मैक्स दैट विल बी इक्वल टू फिफ्टीन इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स वोल्ट यानी कि फिफ्टीन इज़ द नियरेस्ट इंटीजर एंड देट वुड बी आर फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम